एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा शशि व्लॉग्स और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से बैठ के बना रही हूँ व्लॉग, क्योंकि आज मैं करूँगी बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारी बातें। शायद ये व्लॉग लंबी भी हो जाए, प्लीज़ आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं आप लोग से ही कर सकती हूँ बहुत सारी बातें, और तो मैं कहीं नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज़ें भी सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, तो मैं सोशल मीडिया पर ही इस चीज़ को बोलना चाहूँगी। फ़िलहाल बहुत जगह काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, भरपूर पानी पीजिए, ये मच्छर कब से आ रहा है बीच में। आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। बैंगलोर में तो उतनी मौसम ख़राब नहीं, यहाँ पे तो अच्छी मौसम है, तो हम लोग तो ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें। तो और भगवान आपको गर्मी को झेलने की शक्ति दे, जैसे मैं बहुत सारे नेगेटिव लोगों को झेल रही हूँ। तो चलिए फटाफट से व्लॉग को शुरू करते हैं और प्लीज़ व्लॉग को एंड तक जरूर। तो चलिए फटाफट से व्लॉग को शुरू करते हैं। ये वाला वर्ड आ गया, होता है ना किसी किसी का कुछ कुछ वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे मेरा हाल है। सो मैंने एयरपॉड लगा लिया है। एक्चुअली बहुत लोग का कंप्लेन है कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं आती है वीडियो में, तो मेरे मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से वॉइस का थोड़ा इशू आ रहा है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को अच्छे से आवाज़ में, अच्छी क्वालिटी में वीडियो दूँ। तो चलिए अपनी बातों को करते हैं हम शुरू। सो ये व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ इसको पार्ट वाइज में डाल दूँ, क्योंकि शायद ये बड़ा अगर वीडियो हो गया तो बोरिंग हो जाएगा थोड़ा, कंटिन्यू करने में देखने में अच्छा नहीं शायद लगेगा। तो देखूँगी, अगर ये एक साथ ज़्यादा लंबा नहीं हुआ ये वीडियो, तो मैं इसको पार्ट वाइज में डाल दूँगी, वरना एक साथ डाल दूँगी। तो कुछ रिलेटिव्स होते हैं ना, मतलब सबकी लाइफ में रिलेटिव्स होते हैं। एक्चुअली मैं रिलेटिव्स बहुत सारे अपने स्टोरीज़ पे डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए, प्लीज़ मुझे फटाफट से फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिसेस नेहा शशिकांत, ठीक है, मतलब मिसेस अंडरस्कोर नेहा शशिकांत। तो आप मुझे प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कर लेना। तो अब आते हैं कुछ चीज़ों पर, जैसे बहुत सारे रिलेटिव्स, हाँ मुझे बहुत लोग मैसेज डीएम करते हैं, मुझे इस बात में बहुत हंसी आ रही है, मुझे बहुत लोग डीएम करते हैं कि दीदी आप रिलेटिव्स के ऊपर इतना क्यों स्टोरी डालते हो। एक्चुअली मैं इतनी इरिटेट हो गई हूँ ना इन लोगों से, इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ कि मत पूछो। क्या होता है जब पूरे घर में एक लड़की जब अलग कुछ काम करती है ना, मतलब जब मैं शुरू में भी व्लॉगिंग्स करती थी, ठीक है, मैं शुरू में भी व्लॉगिंग करती थी, तो मेरे इन-लॉज को काफ़ी पसंद है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे इन-लॉज ने मुझे कभी भी मना नहीं किया, मेरे सास ससुर ने मुझे कभी भी मना नहीं किया कि तुम ये काम क्यों कर रही हो, उन्हें अच्छा लगता है। वो इवन मेरी मदर इन-लॉ को भी वीडियोज़ में आना पसंद है, वो भी मेरे साथ रील्स बनाती थी। आप मेरे पुराने रील्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, उन्हें कोई इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ रिलेटिव्स होते हैं ना, उन्हें काफ़ी दिक्कत हो जाती है इस चीज़ों में कि भाई ये ऐसा, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, कुछ लोगों की सोच बहुत पिछड़ी होती है, वो उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो हम उनसे उम्मीद नहीं रख सकते। बट कुछ अभी के जो इन-लॉज हैं वो भी तो पिछड़े सोच के हैं, लेकिन उनकी तो सोच वैसी नहीं है ना, वो तो बदल रहे हैं ना कि हाँ भाई ये व्लॉग्स होता है, ये वीडियोज़ होता है, ये रील्स होता है। तो कुछ रिश्तेदार मतलब ऐसे होते हैं, जैसे अभी मेरा प्रेगनेंसी वाला जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हो ना मेरे रील्स पे आके, तो वो सबको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैं ये मतलब, तो वो रिलेटिव बहुत ज़्यादा मतलब पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं इसका तो कुछ चल रहा है, इसका तो प्रेगनेंसी है, फलना है, ढकना है, ढिकना है, जो भी है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि एक टाइम पे, चलो पहले मैं अपनी व्लॉगिंग्स और वीडियोज़ पर आती हूँ, ठीक है, तो मैं अपने पूरे घर में मैं ही हूँ जो थोड़ा रील्स में मेरे अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, और मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ जो मैं बीच में रोक दी थी और मैं फिर अभी शुरू की हूँ, ठीक है। मैं इतना कंटिन्यू व्लॉगिंग पे नहीं हूँ, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे फिर भी थी, तो मेरे वहाँ पे लाख में फॉलोअर्स हैं। तो कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब आपको कॉर्नर में, मतलब बहुत सारे लोग मुझे कॉर्नर में ले जाके, मुझे मतलब सीरियसली मुझे ऐसा वो लोग बोलते हैं, ये नाच गाना हमें नहीं पसंद है, ये आप मेरे बच्चों को मत डालना अपने आईडी पे, ये वो फलना ढकना वो लोग करते हैं, ठीक है।
कुछ लोग को मेरे से बहुत प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्लासेस ज्वाइन की हूँ, मैं ये वो, मेरे उस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। तब वो लोग, और फिर कुछ टाइम पे उन लोग का ये भी कंसर्न रहता है कि शादी को 2-3 साल हो गए हैं, इसके बच्चे नहीं हैं, ये फलना ढकना, ठीक है। मेरा एक पॉइंट है इस बात पे उन लोगों के लिए कि अगर आप लोग को इतनी प्रॉब्लम है मेरे से, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इसका तो शरीर चलता नहीं, ये क्या बच्चा पैदा करेगी। बहुत लोग का बहुत अलग है, कुछ लोग का है अरे इसका शक्ल देखे हो, अरे इसका ये देखे हो, बहुत लोग, मतलब बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे रिश्तेदारों में, ठीक है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी, जब आपको मेरे से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना कष्ट है मेरे से, तो आपको क्या लेना देना है कि नेहा प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। मेरा मानना है कि जब आपको किसी इंसान से काफ़ी प्रॉब्लम होता है तो आप उसके पीछे पढ़ो ही मत ना कि वो लाइफ में पढ़ रही है या क्या कर रही है या वीडियोस बना रही है या नाच रही है या गाना गा रही है। आपको तो मेरा नाच गाना भी नहीं पसंद है ना, मेरे वीडियोस भी नहीं पसंद है, मेरा पढ़ना नहीं पसंद है, आप लोगों को लगता है मैं एक्सक्यूज़ कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को आप लोग से क्यों डिस्क्लोज करूँ? सिंपल सी बात है, मैं आप लोग से क्यों बताऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ? आप उसी इमेजिनरी वर्ल्ड में जियो ना, जहाँ पे आपको लगता है इस लड़की से तो बच्चा नहीं पैदा होगा, ये 2-3 साल हो गया, ये क्या बच्चा पैदा करेगी। आप जब उसी इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हो तो मैं फिर आपको क्यों बताऊँ? आप उस चीज़ के हकदार भी नहीं हो कि आप इस चीज़ को सुनना चाहो कि नहीं नेहा ने ये चीज़ रिवील किया, नेहा ने, मैं नहीं बताने वाली, मैं क्यों बताऊँ? डिजर्व ही नहीं करते मेरे बारे में सुनने को, मैं क्यों बताऊँ, किस लिए बताऊँ? मैं नहीं बताने वाली। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि है या नहीं है, मुझे नहीं बताना, सिंपल। जब आप वही दुनिया मेरे लिए बना चुके हो कि नेहा से, नेहा तो अभी भी पढ़ाई इसको सूझ रहा है, ये तो बहाना बनाती है, ये तो ये करती है वो करती है, ये शादी को 3 साल हो गया है, इसका बच्चा नहीं है, आप लोग के अकॉर्डिंग तो शादी के दूसरे दिन ही मेरा बच्चा हो जाना चाहिए था, आप लोगों ने तो इतनी उम्मीदें पाल रखी हैं। लेकिन आज का टाइम जो है वो बदल रहा है, लोग अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। किन्हीं को बच्चे पसंद है, किन्हीं को नहीं है, किन्हीं को जल्दी बच्चा करना है, किन्हीं को लेट से ही करना है, सबके अपने। लेकिन अगर मेरे लाइफ में वो चीज़ है या नहीं है, मैं आप लोग से नहीं बताऊंगी, सिंपल, ठीक है। और आप मेरे बारे में इतना क्यों कंसर्न कर रहे हो? आपकी नज़र में तो मैं ख़राब हूँ ना, मैं तो वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं तो नाचने वाली हूँ। बहुत लोग ये कहना मुझे नाचने का पैसा मिलता है, ठीक है, सीरियसली, मुझे अगर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे नाचने का पैसा मिलता तो मेरे पास तो काफ़ी पैसे होते। तो जब इतनी छोटी सोच ये लोग रखते हैं तो मैं इन लोगों से क्यों बताऊं कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं? मैं जितना बताना है मैंने बता दिया, आप फिर भी, और वैसे भी आपको तो मेरी वीडियोस पसंद नहीं है, तो फिर आप क्यों देख रहे हो मुझे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? रिश्तेदार होते हैं ना जो आपको बहुत इरिटेट करते हैं, बस वही चीज़ है। और मैं उन लोग में से हूँ ना कि मेरी एक आदत है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ लोगों से, मतलब मुझे डर नहीं, मुझे एक रिस्पेक्ट है या जो भी है, मैं ऐसे फेस टू फेस बाकी लोग की तरह आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती हूँ जाकर कि आप मेरे बारे में, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैक्सिमम रिश्तेदारों ने मुझे कॉर्नर में बुला के इंसल्ट किया, मतलब सोशल मीडिया को लेकर लोग ऐसे। और फिर मैं बाद में नोटिस करती हूँ कि उनके बच्चे ही रील्स बना रहे हैं और वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और फोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हमें भी वो व्यूज़ और लाइक्स आए। तो जब एक सिंपल सी बात है, मुझे लगता है ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग क्यों इतना उनको प्रॉब्लम होने लगता है, होता क्या है कि ये जो कुछ चंद लोग होते हैं ना जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, मतलब एकदम पीछे पड़ जाएंगे आपके कि इसको जीने नहीं देना है, ठीक है, इस टाइप से। और मतलब आप पास रहो या आप दूर रहो, आपके बारे में ही बातें चलेंगी इनके मन में, इनके मन में, इनके घर में, इनके द्वारी पे, इनके हर जगह आपकी बातें चलेंगी कि मतलब आप कुछ बता नहीं रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इनकी प्रॉब्लम होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो मेरा कहना है, अब सपोज़ मुझे कोई इंसान नहीं पसंद,
मैं देखूंगी नहीं ना, मुझे परवाह ही नहीं उसके लाइफ में क्या चल रहा है ना, मुझे कोई मतलब ही नहीं उसके लाइफ में क्या चल रहा, लेकिन इन लोगों को मेरे लाइफ में क्या चल रहा वो सब कुछ जानना है। तो पहली बात, लास्ट बात, मैं एक ही बात बोलूंगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ मैं नहीं बताने वाली आप लोग से, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताने वाली। आप प्लीज़ अपने इमेजिनरी दुनिया में जिए, जहाँ आपको लगता है नेहा से कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में, नेहा सिर्फ वीडियोस बनाती है, नेहा तो अपने लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, क्या बच्चा पैदा करेगी, ये करेगी वो करेगी, नेहा दिखने में ख़राब है, नेहा ये नेहा वो फलना ढकना चिलना, तो ऐसे लोग से मैं कभी नहीं अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि और आगे मैं क्या करने जा रही हूँ ना मैं वो बताना चाहूँगी। तो कृपया आप मेरे ज़िंदगी से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, और नहीं सॉरी, आप डिस्टेंस नहीं रख सकते मेरी ज़िंदगी से, आपको तो नेहा के ही लाइफ में इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरेस्ट रखें, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे सेलिब्रिटी बना के रख दिया है, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, आप अपनी आदत से मजबूर हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं।